बस इतनी जानकारी आपको देनी थी। अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा कहने में भी आसान है, सुनने में भी आसान है, किसान जय नौजवान, तो इस थीम पर हमारी पार्टी काम कर ही रही है। आगे अब इसी नाम से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम से हमारी पार्टी काम करेगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल का नाम बदलकर अब जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो गया है। इसके पीछे वजह है, इलेक्शन कमीशन ने उपेंद्र कुशवाहा को सजेस्ट किया था कि ये जो राष्ट्रीय लोक जनता दल है, ये काफ़ी जो पार्टी है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, उनसे नाम मिलता जुलता है, आप इस नाम को बदल कर दूसरा नाम हमें भेजें। उसके बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा ने 5 नामों को सजेस्ट किया था, जिसमें कि प्रथम स्थान पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा था। पहले क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा इस पार्टी के बारे में रजिस्टर्ड होने पर, पहले उनकी बातों को सुन। यह हमारे लिए भी खुशी की बात है और जो हमारे शुभचिंतक जिज्ञासा रखते थे, विलम्ब होने से थोड़ा परेशान होते थे, उन सभी के लिए खुशी की बात है। जब हमने पार्टी का गठन किया था राष्ट्रीय लोक जनता दल, बाद में घोषणा के बाद कई लोगों ने, हालांकि उसका बहुत महत्व नहीं था, लेकिन क्योंकि घटनाक्रम मिल जाता है, कई लोगों ने कहा कि 3 शब्द से अगर होता तो ज्यादा अच्छा था, राष्ट्रीय लोक जनता दल थोड़ा 4 हो जाता है उसमें सब, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उसी रूप में लोग जो चाहते थे, हमारे साथी भी कई लोग, तो उस तरह से जो यह पार्टी अब रजिस्टर्ड हो गई है। बस इतनी जानकारी आपको देनी थी। अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा कहने में भी आसान है, सुनने में भी आसान है, काम करने में भी आसानी होगी और बिहार देश भर, लेकिन खासकर बिहार की जनता के भविष्य को संवारने का काम पूरे संकल्प के साथ, खास करके जो हमारा नारा है जय किसान जय नौजवान, तो इस थीम पर हमारी पार्टी काम कर ही रही है। आगे अब इसी नाम से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम से हमारी पार्टी काम करेगी। NDA गठबंधन का हिस्सा हम सब लोग हैं ही। अब लोकसभा का चुनाव सामने है, तो लोकसभा चुनाव में भी NDA गठबंधन के हिस्सेदार के रूप में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और बिहार में 40 में 40 NDA गठबंधन चुनाव जीतेगा। इस बात की तैयारी में हमारी पार्टी निरंतर लगी हुई है, तो काम चल ही रहा है और उसके हिसाब से चुनाव चिन्ह दिया है कि नहीं, चुनाव चिन्ह है ना उसके, कोई सिंबल से काउंटर दिया था, उसमें आपने 2 नाम दिया, यूनाइटेड समता पार्टी और सेक्युलर समता पार्टी, तो समता पार्टी देने का कुछ खास वजह है? नहीं, देखिए, अब चूंकि हमको पैनल देना था नाम का, तो आप देख रहे होगा नंबर 1 पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ही हमने दिया है पहला नाम, लेकिन कुछ और नाम देना था तो लगा कि जो दिमाग में आया और साथियों की राय आई, समता से तो स्वाभाविक रूप से एक लगाव रहा है ना हम लोगों का, तो इसलिए भैया आप थोड़ा सा अपने ज्ञान तो नहीं कहेंगे, जानकारी को बढ़ाइए, ऐसे सिंबल अलर्ट नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन का थोड़ा देखिए ना, गूगल पर तो आजकल लिखा रहता है कैसे अलर्ट होता है, उस कागज को जो हम दिए उसको पूरा पढ़िएगा तो उसमें भी लिखा हुआ है कि कैसे अलर्ट होता है। रजिस्ट्रेशन के साथ सिंबल थोड़े मिल जाता है, सिंबल मिलने की एक प्रक्रिया है, अब रजिस्ट्रेशन हो गया है, सिंबल मिलने की प्रक्रिया अब होगी, मिल जाएगा सिंबल, ऐसा नहीं होता है ना कि रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके साथ सिंबल मिल गया, ऐसा थोड़े होता है। तैयारी तो 40 सीट पर है, क्योंकि जहां हम लड़ेंगे वहां भी, जहां हमारे पार्टनर मतलब NDA गठबंधन के दूसरे दल के साथ ही लड़ेंगे, वहां भी हमारी तैयारी जरूरी है, तैयारी तो सब जगह है। हमारी पार्टी कितनी जगह पर लड़ेगी यह तय होगा NDA गठबंधन में, फिर हम बता पाएंगे ना। कहा जा रहा है मतलब कहां से कहा जा रहा है, चर्चा का क्या मतलब, कहा जा रहा है इसका तो कोई
आधार ही नहीं है कहा जा रहा है, क्या मतलब? नहीं देखिए, उम्मीद की चर्चा इस मंच से नहीं की जा सकती। जहां जिस टेबल पर चर्चा की जरूरत होगी वहां हम बताएंगे कि कितना चाहिए या कितनी सीट उम्मीद, वहां की बात है, यहां कभी सही नहीं। अंदर जी एक सवाल है कि आपके पार्टी के गठन के साथ ही उसी समय करीब करीब जन स्वराज मोर्चा का भी गठन हुआ था, उनको निबंधन बहुत पहले मिल गया, आपके निबंधन में इतना विलंब का मूल कारण क्या है? अब ये कोई तुलना का मतलब है क्या? अब इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसमें तुलना क्या होता है? कई पार्टियों को निबंधन चुनाव। अरे भाई हमने जिस समय आवेदन किया उस समय देश भर से और लोगों ने आवेदन किया होगा, तो सबको एक ही दिन मिल जाएगा क्या? एक प्रक्रिया होती है। आपने कई बार कहा है अपने इंटरव्यू में भी कि पिछले बार हम लोग 3 सीट पे लड़े थे, उम्मीद है कि इसके सीट पे इस बार भी लड़ेंगे, तो आपको लगता है कि 3 सीट? नहीं नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हम इतनी सीटों पर लड़े थे, वो तो सब लोगों को मालूम है, लेकिन उसके अनुसार हम इतनी सीट पर लड़ेंगे, लड़ना चाहते हैं, ऐसा हमने कभी नहीं कहा है। अब कितनी सीटों पर लड़ेंगे तय होगा तो बता पाएंगे। तो अभी कहाँ हम गए हैं दिल्ली? अरे कुछ दिन पहले गए थे, उस दिन का क्या विषय था, नहीं विषय था, तब तक तो कई बार आपसे मुलाकात हो गई, आप सवाल भी पूछ लीजिए। नरेंद्र मोदी ने कल कहा अपनी जो दिल्ली बैठक हुई उसमें कि अब कमल छाप को देखना है, 370 पार और एनडीए के लिए बोला है 400+, तो क्या ये 30 सीटों पर ही पूरे देश में समाहित हो, मैंने सारा गठबंधन अलायंस खत्म हो जाएगा क्या? नहीं देखिए, पूरे देश के संदर्भ में क्या है उतनी जानकारी मुझको नहीं है और न उतना जानने की जरूरत है। अभी बिहार के संदर्भ में क्या है यही अभी तत्काल हम लोगों की सीमा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी ना वो, तो ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा की मीटिंग होगी, तो हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात करेंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी की वहां मीटिंग थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की बात की, और भारतीय जनता पार्टी मतलब कमल छाप बीजेपी, तो वहां उसी पार्टी की मीटिंग थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, इसमें क्या गलत है? अच्छा, नीतीश जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध कब मधुर नहीं था? इस गलत भावी में किसी को नहीं लाना चाहिए, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक चीजें अपनी जगह होती है, तो उसके आधार पे जो जो बात हमने नीतीश जी से कही थी जब हम पार्टी से अलग हो रहे थे तब से लेकर बाद में भी, सारी बातें हमारी सच साबित हुई। हमने बार बार उनको कहा कि आप जिस तरफ रास्ता कदम आपने बढ़ा दिया है वह कदम, तो आपने साफ तौर पे उपेंद्र कुशवाहा को सुना कि जो पार्टी थी अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से जाना जाएगा, और अभी फिलहाल जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जो काम होगा वो एनडीए को समर्थन देना होगा, और 40 का 40 सीट जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है अपना दावा करेगी, और साथ ही साथ मजबूती के साथ जो एनडीए के साथ ये लोग खड़े रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिंस मिश्रा पटना, धन्यवाद।